हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक प्रॉब्लम है जिसमें कंडक्टिंग प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये हमें समझना है। तो यहाँ पर दिस इज़ गिवन दैट प्लेट टू एंड थ्री आर गिवन चार्ज क्यू एंड थ्री क्यू। दिस इज़ प्लेट टू हैविंग चार्ज क्यू एंड प्लेट थ्री हैविंग चार्ज थ्री क्यू। नाउ प्लेट वन इज़ कनेक्टेड विथ थ्री, वन को थ्री से कनेक्ट कर दिया गया है स्विच को क्लोज करने के बाद। तो हमें बताना है फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और स्विच से कितना चार्ज फ्लो होगा। तो देखिए ज़रा ऐसे केसेस में हमें किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। देखिए, एक बात क्लियर है कि जो आउटर मोस्ट सर्फेसिस के चार्जेस होते हैं वो सारे के सारे चार्जेस को मिला के बाई टू कर दें तो वो आउटर मोस्ट सर्फेस पर चार्ज आ जाता है। तो आउटर मोस्ट सर्फेस चार्ज अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आपको पता है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जितने भी प्लेट्स पर टोटल चार्जेस हैं ज़ीरो प्लस क्यू प्लस थ्री क्यू और उनको डिवाइडेड बाई टू कर देते हैं तो फोर क्यू बाई टू दैट इज़ टू क्यू। तो आउटर मोस्ट सर्फेसिस के चार्जेस टू क्यू और टू क्यू आ जाते हैं और ये चार्जेस चेंज नहीं होते। दिस चार्ज विल नॉट चेंज। ये चार्ज चेंज क्यों नहीं होगा? विल नॉट चेंज। ये चार्ज इसलिए चेंज नहीं होगा बिकॉज प्लेट्स को जब कनेक्ट करते हैं तो दे कम एट सेम पोटेंशियल। किन्हीं भी दो कंडक्टर्स को जब कनेक्ट करते हैं तो दे कम एट सेम पोटेंशियल और चार्ज पोटेंशियल को सेम करने के लिए फ्लो होता है। और बच्चों, आउटर मोस्ट सर्फेसिस के जो चार्ज हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में हर जगह कैंसिल हो जाता है। 2q का इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में हर जगह पॉजिटिव एक्स के अलोंग होगा और इधर जो 2q है ये वाला, इस 2q का नेगेटिव एक्स के अलोंग होगा, इस 2q का पॉजिटिव एक्स के अलोंग होगा। तो ये सारे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कैंसिल हो जाते हैं और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है तो इसकी वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने में आउटर मोस्ट सर्फेसिस के चार्जेस का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए ये चार्ज कभी फ्लो नहीं होगा। ये चार्ज आपके पास फाइनल आ गया। अब बच्चों, बात ये रह जाती है कि अंदर वाले सर्फेसिस पर क्या चार्ज आएगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर चार्ज एक्स है तो यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आते हैं फेसिंग सर्फेसिस पर गॉस लॉ से, ये हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ पर टोटल चार्ज क्यू है सेकंड प्लेट पर, और सेकंड प्लेट पर जो टोटल चार्ज क्यू है और ये आइसोलेटेड है तो ये चार्ज क्यू ही रहना चाहिए। अगर ये चार्ज क्यू ही रहना चाहिए तो यहाँ पर क्यू प्लस एक्स आ जाएगा, और बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं तो इस वाले सर्फेस पर माइनस ऑफ क्यू प्लस एक्स आ जाएगा। इसमें बच्चे ये मिस्टेक भी कर देते हैं कि यहाँ पर टोटल चार्ज थ्री क्यू है तो इन दोनों का सम थ्री क्यू होना चाहिए। सम थ्री क्यू नहीं होना चाहिए बिकॉज नाउ दिस प्लेट इज़ नॉट आइसोलेटेड। इफ़ दिस इज नॉट आइसोलेटेड तो इस पर टोटल चार्ज कंजर्व क्यों रहेगा? चार्ज कंजर्व आइसोलेटेड सिस्टम के लिए रहता है। नाउ बच्चों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर में, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई टू है, तो अगर कंडक्टर के सर्फेस पर सर्फेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, अगर सर्फेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर सिग्मा है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है और इसमें सारे के सारे चार्जेस का कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। यहाँ पर जो E2 आएगा वो केवल आप इससे निकाल सकते हैं और जो E1 आएगा वो केवल इससे निकाल सकते हैं, बाकी सबका कंट्रीब्यूशन इसमें आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखने से। तो अगर आप यहाँ पर E1 लिखेंगे तो E1 विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है और सिग्मा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बाय ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। E2 ऐसे यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, Q प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर Q प्लस एक्स डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q प्लस एक्स बाई ए क्या हो गया सिग्मा और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। अब देखिए, ऐसा है कि ये वाली प्लेट को अगर मैं पोटेंशियल V पर मानता हूँ तो ये वाली प्लेट थर्ड भी पोटेंशियल V पर होनी चाहिए। तो अगर मैं V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 करूँ तो V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 ये ज़ीरो आना चाहिए। क्यों ज़ीरो आना चाहिए? बिकॉज V1 एंड V3 दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, और दोनों सेम पोटेंशियल पर क्यों हैं? बिकॉज इनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। V1 माइनस V2 को क्या लिखा जा सकता है, E1 इंटू डी, और E1 कितना है, x बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो x बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी प्लस V2 माइनस V3 हो जाएगा E2 इंटू टू डी। E2 हो गया Q प्लस एक्स अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टू डी आ जाता है। दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। इससे आपको देखेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो जा रही हैं,
ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट डी और डी, ये सब कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास जो रिजल्ट बचता है वो रहता है 2q प्लस 3x इक्वल टू 0 एंड यू गेट x इक्वल टू माइनस 2q बाई 3। तो x इक्वल टू माइनस 2q बाई 3 आने का मतलब है आपको सारे सरफेस का चार्ज पता लग गया, यहाँ पर 2q हो गया और इस जगह पर आपके पास कितना आ गया माइनस 2q बाई 3, यहाँ माइनस 2q बाई 3 आ गया तो यहाँ पर प्लस 2q बाई 3 हो गया, यहाँ पर q प्लस x है तो q प्लस x कितना रह गया q बाई 3, आप देख सकते हैं 2q बाई 3 और q बाई 3 का सम q है और यहाँ पर माइनस q बाई 3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना चार्ज फ्लो करके चला जाएगा, तो इस प्लेट पर इनिशियली कितना चार्ज था, इस प्लेट पर इनिशियली 0 चार्ज था और अभी टोटल चार्ज इस पर कितना हो गया है 2q माइनस 2q बाई 3, दैट मीन्स इस पर अभी 4q बाई 3 चार्ज हो गया है, 2q माइनस 2q बाई 3, 2q माइनस 2q बाई 3 दैट इज इक्वल टू 4q बाई 3, तो इसका मतलब 4q बाई 3 चार्ज इस पर फ्लो के यहाँ से आ गया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे केस में अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा स्विच से, स्विच से जो चार्ज फ्लो हुआ होगा वो टोटल 4q बाई 3 चार्ज फ्लो हो गया होगा, क्योंकि प्लेट वन पर पहले 0 था और अब 4q बाई 3 है। ये कहाँ से आएगा, स्विच से ही आएगा, तो एक आंसर आपका आ जाता है 4q बाई 3 और टोटल चार्जेस का ये भी पता लग जाता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रॉब्लम सिंपल होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे जो मैंने बताया है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपसे हो जाएंगे। ओके, हैव ए गुड डे।